आज हम फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का पार्ट वन करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। बिफोर यू रीड, अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। कैन यू से विच वन ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। सो अपार्थाइड एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो लोगों को सेपरेट करता है, अलग करता है बेस्ड ऑन उनकी क्या जाति है। सो रेस का मतलब होता है जाति, या रेस को आप ऐसे बोल सकते हो कि ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सिमिलर कल्चर एंड रिलीजन, फॉर एग्जांपल। सो एशियंस एक रेस हो गई, एक एथनिक ग्रुप हो गया, हम एथनिक ग्रुप भी बोलते हैं उनको। सो इनमें से साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जिसमें क्वाइट रिसेंटली 1994 तक अपार्थाइड सिस्टम था। फिर 1994 में ऐसा इवेंट हुआ जिसको डिस्क्राइब किया गया इस चैप्टर में, जिसे अपार्थाइड जो है वो खत्म हुआ। इसमें बेसिकली व्हाइट्स और ब्लैक्स के बीच में ये उनको सेपरेट करने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम था, जिसमें सारी पावर्स व्हाइट्स के पास थी, एंड जो कॉकेशियंस होते हैं बेसिकली, एंड जो भी ब्लैक्स थे, जो भी अफ्रीकन्स, नेटिव अफ्रीकन्स थे, उनको सिस्टम के बाहर रखा जाता था। उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं था पॉलिटिकल सिस्टम में, उनको जॉब्स लेने में मुश्किल होती थी, और इनफैक्ट जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, एमिनिटीज होती हैं, वो भी उनको बहुत मुश्किल से मिलता था। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। मंडेला had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. So, आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? तो मंडेला अपनी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के साथ अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने बिता दी अपार्थाइड के अगेंस्ट लड़ते हुए। उनको 30 साल तक जेल भी हुई, 30 साल ऑलमोस्ट अ लाइफ टाइम उन्होंने जेल में गुजारा, और फाइनली 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुआ, जैसे हमारी कंट्री में होता है। डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री, उसमें हम इलेक्ट करते हैं कि हमारे कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स जाएंगे पार्लियामेंट में, वैसा एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ 1994 में साउथ अफ्रीका में, एंड मंडेला जो है फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। सो एक काइंड ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन था, एक न्यू एज था साउथ अफ्रीका के लिए, कि जहाँ पे ऑप्रेस्ड करके रखा गया था, दबा के रखा गया था सारे ब्लैक पीपल को, एंड फाइनली अब एक ब्लैक प्रेसिडेंट जो है उनके नेशन का बन गया। सो दिस वाज अ बिग चेंज, एंड इससे रिलेटेड ही ये चैप्टर है। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? चेक योर गेस विद दिस न्यू आइटम फ्रॉम द बीबीसी ऑफ 10th May 1994। सो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, ये एक एक्सट्रैक्ट है उनकी ऑटोबायोग्राफी में से। सो ऑटोबायोग्राफी क्या है? इट इज एन अकाउंट ऑफ पर्सन्स लाइफ बाय द सेम पर्सन, सो बाय दैट पर्सन। सो बेसिकली जब आप अपने बारे में एक बुक लिखते हैं, अपने बारे में अपने लाइफ की एक स्टोरी लिखते हैं, तो ये आपकी ऑटोबायोग्राफी हो गई। सो अगर कोई और लिखता है आपके बारे में, तो वो आपकी बायोग्राफी होती है। सो इनकी ऑटोबायोग्राफी से एक्सट्रैक्ट है ये पर्टिकुलर चैप्टर, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नाम है उनकी ऑटोबायोग्राफी का। एंड इसमें जो नेल्सन मंडेला है वो एक ऐतिहासिक अवसर के बारे में बात करते हैं, एक हिस्टोरिक ओकेशन यानी एक ऐतिहासिक अवसर, एंड उसका नाम क्या है? द इनॉग्रेशन। सो इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन। गेस कीजिए कि इनॉग्रेशन क्या चीज़ के लिए हो सकता है, एंड अपना गैस चेक कीजिए एक न्यूज़ आइटम से जो बीबीसी का है। बीबीसी इज ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, बहुत ही पॉपुलर न्यूज़ मीडिया है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। सो उनका एक आर्टिकल है, न्यूज़ आइटम है 10th May 1994 का, उसे आप कंपेयर करके देखिए कि आपका गैस सही है कि नहीं। सो चलिए उस आइटम को पढ़ते हैं। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, सो ये न्यूज आइटम का हेडलाइन है। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने आफ्टर 3 centuries, 300 साल के व्हाइट रूल के बाद। सो 300 ईयर्स का व्हाइट रूल था वहाँ पे, एंड उसके बाद फाइनली वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। सो उनकी जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी, उन्होंने 252 सीट जीती 400 सीट्स में से, पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शन में साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में। सो ये साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन था, पहले ऐसे डेमोक्रेसी सेटअप नहीं थी वहाँ पे, एंड दैट वाज द रीजन कि कभी भी कोई ब्लैक पर्सन ऑफिस होल्ड नहीं करता था, एंड पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए और उसमें यू कैन से लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई, 252 सीट जो है उन्होंने जीती। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. So, ये जो inauguration ceremony थी, inauguration का मतलब होता है उद्घाटन। ये जो उद्घाटन का ceremony था, ये कहाँ पे हुआ? Union buildings का
एक एम्फी थिएटर था वहां पर हुआ। एम्फी थिएटर क्या होता है? एम्फी थिएटर बेसिकली एक तरह का ओपन एयर थिएटर होता है जिसमें एक स्टेज होता है एंड उसके चारों ओर सीट्स होती हैं, समथिंग लाइक दिस। सो इस तरह से यहाँ पे एक स्टेज है, यहाँ पे जो स्टेयर्स और स्टेप्स बने हैं यहाँ पे ऑडियंस बैठती है, एंड ये नॉर्मली ओपन एयर होता है एंड इसको आप एम्फी थिएटर बोलते हैं। जनरली ये स्मॉल साइज का हुआ करता है, नॉट एज बिग एज स्टेडियम्स, बट स्पेशली रोमन टाइम्स में से ये पॉपुलर हुआ है। ये पर्टिकुलर जहाँ पे ग्लैडिएटर्स फाइट करते थे तो वो बहुत बड़े होते हैं। इनफैक्ट जो कोलोशियम है फॉर एग्जाम्पल, इट इज काइंड ऑफ एन एम्फी थिएटर, सो वो बहुत बड़े भी हुआ करते थे। बट जनरली आज के दौरान जो भी छोटे छोटे ऐसे थिएटर्स बनते हैं उनकी सीटिंग कैपेसिटी कम होती है एंड इस तरह से वो बने हुए होते हैं। सो प्रिटोरिया में ये एक एम्फी थिएटर था, वहां पे ये सेरेमनी हुई एंड उसको किसने अटेंड किया? पॉलिटिशियंस ने और डिग्निटरीज ने। डिग्निटरीज किनको बोलते हैं? जो भी इम्पोर्टेंट पीपल होते हैं, वीआईपी जिनको हम इन अनदर वे बोलते हैं, या बोले पर्सन विथ हाई रैंक्स। सो 140 देशों के जो डिग्निटरीज थे, हाई रैंकिंग ऑफिसर्स थे, पर्सन थे, वो इस पर्टिकुलर इनॉग्रेशन सेरेमनी को अटेंड करने आए थे। एंड नेल्सन मंडेला ने वहां पे जनता को एड्रेस करते हुए, जनता से बात करते हुए कहा कि नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। आज की बात, कभी भी इस सुंदर धरती पर किसी भी एक को दूसरे के द्वारा ऑपरेशन नहीं सहना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। ऑपरेशन का मतलब होता है दबाव, एक के द्वारा किसी का जब दबाव होता है तो उसको आप ऑपरेशन बोलते हैं, या मोर अप्रोप्रिएटली दमन। आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा, ऐसा नेल्सन मंडेला ने कहा। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, व्हाइट्स एंड कलर्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर। मोर देन 100,000 साउथ अफ्रीकन मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सांग एंड डांस्ड विद जॉय। सो जुबिलेंट सीन, जुबिलेंट का मतलब होता है शोइंग एंड एक्सप्रेसिंग एक्सट्रीम हैप्पीनेस। जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हो एंड उसको आप एक्सप्रेस कर रहे हो तो आप उसको जुबिलेंट बोलते हैं। जैसे हिंदी में वर्ड होता है उल्लसित होना, एक तो हो गया कि आप खुश हैं, एक है कि आप उल्लास में हैं, मतलब बहुत ज्यादा खुशी में हैं, तो उसको जुबिलेंट बोलते हैं। सो इस सेरेमनी के बाद प्रिटोरिया की सड़कों पे इसी तरह का पूरा हर्षोल्लास का माहौल था, जिसमें किसने पार्टिसिपेट किया? ब्लैक्स ने किया, व्हाइट्स ने किया, कलर्स ने किया। कलर्स यानी फॉर एग्जाम्पल एशियंस को कलर्स बोला जाता है बिकॉज वो ना ही ब्लैक होते हैं ना ही व्हाइट होते हैं, इन बिटवीन डिफरेंट शेड्स के होते हैं, जैसे हमारा रंगी हुआ है। एंड फॉर एग्जाम्पल चाइनीज को येलो स्किन बोला जाता है। सो डिफरेंट कलर की स्किन वालों को आप इन जनरल ग्रुप करके कलर्स बोलते हो। बेसिकली कहने का मतलब है कि हर रेस के लोग मिलके इसको सेलिब्रेट कर रहे थे। करीब 1 लाख से ज्यादा साउथ अफ्रीकन मेन, वुमेन और चिल्ड्रन, बच्चे हर रेसेस के, हर जाति के साथ में गा रहे थे और डांस कर रहे थे खुशी के साथ। जॉय डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड बाय डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे द रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। 10 मई डॉन्ड, 10 मई की शुरुआत हुई। डॉन्ड यानी बिगेन, डॉन्ड वर्ड जो है डॉन से बना है एंड डॉन का मतलब होता है टू बिगिन। सो यहाँ पे डॉन्ड का मतलब हो जाएगा बिगेन। सो 10 मई स्टार्ट हुई, ब्राइट एंड क्लियर, बहुत ही ब्राइट थी, बहुत ही साफ थी। एंड पास्ट कुछ दिनों में आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड, तो प्लेजेंटली बिसीज्ड, बिसीज्ड का मतलब होता है सराउंडेड बाय, सराउंडेड बाय क्लोजली, तो बहुत ही पास में सराउंड करके रखना किसी को, उसको बिसीज करना बोलते हैं। सो बोल रहे कि पिछले कुछ दिनों से मैं डिग्निटरीज और वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा घिरा हुआ हूँ एंड ही इज प्लेजेंट, एंड इसको वो प्लेजेंट बोल रहे हैं, मतलब उसे परेशान नहीं है, ही इज हैप्पी कि वो घिरे हुए हैं सारे डिग्निटरीज और वर्ल्ड लीडर्स से जो उनको रिस्पेक्ट देने आ रहे हैं इनॉग्रेशन से पहले। सो बेसिकली उनको इनवाइट किया गया है इनॉग्रेशन के लिए एंड वो एक एक करके आ रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं नेल्सन मंडेला को फॉर दिस पर्टिकुलर मोमेंट। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर। सो ये जो इनॉग्रेशन है ये साउथ अफ्रीका की धरती पर अभी तक की सबसे बड़ी गैदरिंग होगी, सबसे बड़ा जमावड़ा होगा इंटरनेशनल लीडर्स का। सो पहले इतने इंटरनेशनल लीडर्स कभी नहीं आए थे साउथ अफ्रीका में एक साथ। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंड स्टोन एम्फी थिएटर फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो जो भी सेरेमनीज थी, जो भी समारोह थे, सेरेमनीज यानी समारोह, तो जो भी समारोह हो रहे थे वहां पे, वो कहाँ पे हो रहे थे? एक बहुत ही प्यारे सैंडस्टोन के बने एम्फी थिएटर में, जो कि यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा बनाई गई थी इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया एक जगह का नाम है साउथ अफ्रीका में, एंड सैंडस्टोन आपको पता होगा बलुआ पत्थर को बोलते हैं। ये एक टाइप का सेडिमेंट्री रॉक होता है जो कि बेसिकली सैंड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फॉसिल से बना होता है, ये
लेयर बाय लेयर वो ओवर द ईयर्स फॉर्म होता है सेडिमेंट्री रॉक। बलुआ पत्थर बहुत ही पॉपुलर पत्थर है ये। नॉर्मली ये पिंकिश होता है, रेडिश होता है, येलोविश होता है, ब्राउनिश होता है, इस तरह के इसके कलर होते हैं। एंड इससे ये जो है एम्फीथिएटर बना हुआ था। फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। सो डेकेड्स यानी बहुत ही सालों तक, डेकेड यानी होता है 10 ईयर्स, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, सो काफी दशकों तक, तो बहुत दशकों तक ये जो है सेंटर रहा है व्हाइट सुप्रीमेसी का। हमने पढ़ा था ये एक्टिविटी में कि व्हाइट सुप्रीमेसी क्या हुआ। सो ये सेंटर बना रहा व्हाइट सुप्रीमेसी का, बट नाउ अब ये क्या बन गया है, एक रेनबो गैदरिंग बन गया है डिफरेंट डिफरेंट लोगों का, डिफरेंट डिफरेंट नेशंस के, किसको इंस्टॉल करने के लिए, किसको सेटअप करने के लिए, साउथ अफ्रीका का फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट का। सो पहली साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक वे में मतलब इलेक्शन से चुनी गई गवर्नमेंट, और नॉन रेशियल गवर्नमेंट मतलब जाति से परे, तो जो भी जातिवाद से जो परे ऐसी गवर्नमेंट जो है पहली बार बनी है, उसके इंस्टॉलेशन के लिए इतने लोग जो है वहां पे जमा हुए थे। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट देन थाबो अम्बेकी वॉज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said. So, ये Nelson Mandela का portrait है, and वो बोल रहे हैं कि उस lovely autumn day, उस प्यारे autumn के दिन पर मेरे साथ कौन थी, मेरी बेटी जनानी थी, and उस podium पे, उस stage के podium पे पहले Mr. de Klerk जो है उन्होंने शपथ ली सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए। सो ही वॉज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट मिस्टर डी क्लर्क, एंड स्वॉर्न इन का मतलब होता है शपथ लेना। स्वॉर्न वर्ड जो है बेसिकली इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ स्वेयर, एंड स्वेयर का मतलब होता है शपथ लेना। सो ही स्वॉर्न इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। फिर थाबो अम्बेकी जो है फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के लिए उन्होंने शपथ ली। फिर नेल्सन मंडेला का टर्न था टू स्वेयर इन एज प्रेसिडेंट। सो उन्होंने प्लेज लिया, उसका मतलब यही होता है शपथ ली कि वो ओबे करेंगे, मानेंगे और अपहोल्ड करेंगे किसे, कॉन्स्टिट्यूशन को। सो अपहोल्ड करना मतलब क्या होता है, अपहोल्ड मतलब होता है सपोर्ट करना और कंफर्म करना, उसकी बात को मानना। इन हिंदी हम जनरली बोलते हैं कि उसकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना या मर्यादा में रहना, मर्यादा बनाए रखना। सो ये बोल रहे हैं कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानूंगा और उसकी मर्यादा को बनाए रखूंगा। सो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, किसी भी डेमोक्रेसी का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके बेसिस पे वो गवर्न करते हैं लोगों को। सो उस कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा को मैं बनाए रखूंगा और अपने आप को डिवोट करूंगा, समर्पित करूंगा, क्या चीज के लिए, रिपब्लिक की खुशहाली के लिए, वेल बीइंग के लिए। एंड रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक ऐसे स्टेट को बोलते हैं, स्टेट वेयर सुप्रीम पावर, जो भी सुप्रीम पावर होती है, जो अटमोस्ट पावर होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रेसिडेंट हो गए, इज हेल्ड बाय पीपल। सो लोगों के हाथ में पावर होती है एंड दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। सो जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होती है उनके हाथों में पावर होती है और लोगों के हाथों में पावर होती है, और जो भी प्रेसिडेंट होते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री के जिसको आप रिपब्लिक बोलते हैं, ही इज ईदर इलेक्टेड या नॉमिनेटेड। सो इंडिया इज ऑल्सो रिपब्लिक, इंडिया को भी हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोलते हैं। एंड आपको पता है हम रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को, एंड उसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी पावर्स हैं, जो भी फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम पावर कही जाती है, वो भी चुन के आते हैं। सो हम वो भी हमारे द्वारा चुने गए हैं। सो ऐसे देश जहाँ पे सुप्रीम पावर जो भी कंट्री को रूल करते हैं, गवर्न करते हैं, वो लोगों के द्वारा अगर चुनी जाए तो उसको रिपब्लिक बोला जाता है। सो इस रिपब्लिक की वेलबींग के लिए और इसके लोगों के वेलबींग के लिए वो अपने आप को समर्पित करेंगे। टू द असेंबल्ड गेस्ट, असेंबल्ड यानी जो वहाँ पे गैदर्ड गेस्ट हैं, जो वहाँ पे जमा हुए या गैदर्ड, जो भी अतिथि हैं और जो भी दुनिया में देख रहे हैं। सो उनको पता है कि उनका लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है, उनको पूरी दुनिया देख रही है न्यूज चैनल्स पे। सो वो उनको बोलते हैं, एंड ये अब इनकी स्पीच आएगी जो हम पढ़ेंगे। सो बेसिकली ये उनकी एक्चुअल पिक है उनकी स्वेयरिंग इन सेरेमनी की 10th May 1994 की। एंड आप पीछे देख सकते हैं ये उनकी बेटी हैं जेनानी जो उनके साथ गई थी। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर्म ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। सो आज यहाँ पे उपस्थित होके, बाय आवर प्रेजेंस हियर यहाँ पे उपस्थित होके हम सब कन्फर कर रहे हैं, कन्फर यानी टू गिव, हम क्या दे रहे हैं, ग्लोरी दे रहे हैं, ग्लोरी दे रहे हैं महिमा यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, एंड होप आशा दे रहे हैं इस नई जन्मी लिबर्टी को, लिबर्टी यानी इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस या फ्रीडम। सो इस पर्टिकुलर फ्रीडम को
हम क्या दे रहे हैं, महिमा दे रहे हैं और उसको एक आशा दे रहे हैं अपनी उपस्थिति के साथ। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर, सो एक्स्ट्रॉर्डनरी यानी जो आउट ऑफ द ऑर्डनरी है, जो कि आम नहीं है, असामान्य है, उस एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर। ह्यूमन डिजास्टर, डिजास्टर किसको बोलते हैं, जो भी विपदा आती है हमारे ऊपर, जो भी कैलामिटी आती है बहुत बड़े स्केल पे जिसमें बहुत नुकसान होता है, उसको हम डिजास्टर बोलते हैं। सो ह्यूमन डिजास्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर नहीं, ये भी जो भी रेशियल सिस्टम था अपार्थाइड का, इन्वेंटेड बाय ह्यूमंस था, सो इनको ये नेचुरल डिजास्टर ना बोल के ह्यूमन डिजास्टर बोल रहे हैं। तो ये जो भी असामान्य ह्यूमन डिजास्टर था, इसका जो एक्सपीरियंस हमें मिला है, जो बहुत ज्यादा समय तक रहा, लास्टेड टू लॉन्ग, यानी जो जरूरत से ज्यादा समय तक रहा, इसके एक्सपीरियंस से बाहर आके एक सोसाइटी का जन्म होना चाहिए जिस पर सारी इंसानियत को गर्व हो। सो ये जो हमें, हमने एक्सपीरियंस किया है, ये डिजास्टर एक्सपीरियंस किया है जो बहुत ज्यादा समय तक रह गया, इससे अब इससे बाहर निकल के एक नई सोसाइटी का जन्म होना चाहिए जिस पर पूरी इंसानियत को गर्व हो। We who are outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. So we who were outlaws, so वो अब साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं as a whole, कि उनको outlaw बनाया गया। Outlaw किसको बोलते हैं? Outlaw generally persons के लिए use किया जाता है word, person who broke the law, तो जो भी रूल तोड़ते हैं, लॉ तोड़ते हैं, उनको हम outlaws बोलते हैं। बट ये टर्म ये साउथ अफ्रीका के लिए यूज करें, पूरे साउथ अफ्रीकन्स के लिए, कि पूरी साउथ अफ्रीका को आउटलॉ घोषित कर दिया गया था, बिकॉज यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम चल रहा था जो कि पूरे वर्ल्ड को एक्सेप्टेबल नहीं था, इसलिए सब ने जो है साउथ अफ्रीका के साथ टाइज तोड़ लिए थे। सो एक तरह का ये आप बोलते हैं इंटरनेशनल प्रेशर भी होता है कि सारे जो संबंध तोड़ना स्टार्ट कर देते लोग, क्योंकि उनको ये पसंद नहीं था कि वहाँ पे ये जो अपार्थीट का सिस्टम है। तो ये बोल रहे हैं कि हमें आउटलॉ कहा जाता था कुछ ही समय पहले तक, नॉट सो लॉन्ग हो गया, यानी कुछ ही समय पहले तक, अब हमें ऐसा प्रिविलेज दिया गया है, ऐसा रेयर प्रिविलेज दिया गया है। प्रिविलेज यानी एक ऑनर, एक रेयर, एक ऑनर मिला है हमें कि हम होस्ट कर सके पूरे वर्ल्ड के सारे देशों को हमारी धरती पर। सो जो देश हमें पहले आउटलॉ समझते थे, अब उनके द्वारा हमें ऐसी रेयर ऑनर मिली है, ऐसी प्रिविलेज मिली है, ताकि हम उनको यहाँ पे होस्ट कर सके इस पर्टिकुलर इनॉग्रेशन सेरेमनी में अपनी धरती पर। वी थैंक ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजिशन विद द पीपल ऑफ आर कंट्री ऑफ वॉट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। सो बोल रहे हैं कि मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे सारे डिस्टिंग्विश्ड, जाने माने, डिस्टिंग्विश्ड यानी जाने माने, हमारे जाने माने इंटरनेशनल गेस्ट को यहाँ पे आने के लिए और पोजेशन लेने के लिए। पोजेशन लेने यानी अपनाना, किसी चीज़ को अपनाना मतलब उसका पोजेशन लेना। सो हमारे देश के लोगों के साथ इस कॉमन विक्ट्री को, ये जो कॉमन विक्ट्री है, जो हम सब की एक विजय हुई है, ये इसको अपनाने के लिए मैं आपको थैंक करता हूँ। और ये विजय कैसी है? ये जस्टिस के लिए है, जस्टिस यानी न्याय, न्याय के लिए एक विजय हुई है, शांति के लिए, शांति अमन के लिए, और ह्यूमन डिग्निटी के लिए। डिग्निटी यानी गौरव, उसके गौरव के लिए, या आप बोल सकते हैं अ स्टेट ऑफ बीइंग वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। तो बेसिकली इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट, उनके गौरव की यहाँ पे विजय हुई है, न्याय की विजय हुई है, और शांति की यहाँ पे विजय हुई है। इस चीज़ को अपनाने के लिए, इस विजय को अपनाने के लिए हमारे देश के लोगों के साथ आप सभी जाने माने अतिथियों का, अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। वी प्लेज आवर सेल्व टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। हमने अंत में क्या अचीव किया है? पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन। तो जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं उसे हमें आज़ादी मिली है। एंड ये रेस्ट्रिक्शन कैसी थी? पॉलिटिकल थी, बिकॉज वहाँ पे क्या रूल था कि पॉलिटिकल सिस्टम में कोई भी ब्लैक पर्सन जो है, ब्लैक रेस के लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शन था, एंड इस पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शन से हमें फ्रीडम मिली अंत में। वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। अब हम इस चीज की शपथ लेते हैं कि हम आजाद करेंगे, लिबरेट करना यानी फ्री करना, इसका मतलब होता है फ्री करना, हम अपने लोगों को फ्री करेंगे कंटिन्यूइंग, जो चल रही है ऐसी बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। सो बॉन्डेज यानी जो चंगुल होता है, गरीबी के चंगुल से, डेप्रिवेशन से। डेप्रिवेशन एक ऐसी स्टेट को बोलते हैं जिसमें आपके पास नेसेसिटीज नहीं होती हैं, स्टेट ऑफ डिनायल ऑफ नेसेसिटीज। तो जो भी नेसेसरी चीज़ें होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान हो गया, ये आपको नहीं मिल पा रही है, तो उसको आप बोलते हो डिनायल ऑफ नेसेसिटीज। सफरिंग, जो भी दुख सह रहे हैं लोग वो, और किसी भी प्रकार के, या तो जेंडर, लिंग के आधार पर, या तो किसी भी अदर तरीके से, किसी भी डिफरेंट तरीके से डिस्क्रिमिनेशन को हम खत्म करेंगे, लोगों को उससे फ्री करेंगे। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव।
सो भी किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है हम खत्म करेंगे, दैट इज बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली. नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. सो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था उस न्यूज पीस में कि आज के बाद कभी भी इस धरती पे, इस सुंदर धरती पर किसी भी एक प्राणी का दूसरे पर ऑपरेशन नहीं होगा. द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट. और इस ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट पर कभी भी सूरज नहीं ढलेगा. सो ये जो अचीवमेंट हमें मिला है आज कि हमने ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उसको ख़त्म किया है, इस पे सूरज कभी नहीं ढलेगा, मतलब हम कभी भी वापस पीछे नहीं जाएंगे. लेट फ्रीडम रेन, रेन का मतलब होता है रूल्स. सो लेट फ्रीडम रेन यानी कि इस आज़ादी को अब राज करने दिया जाए. फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज इन ऑ एज अ स्पेक्टेकुलर अरे और साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिजन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड. और जब उन्होंने स्पीच दे दी नेल्सन मंडेला ने, जो हमने पार्ट वन में देखा था, कुछ समय बाद वी आर लिफ्टेड आवर आईज, हमने अपनी आंखें उठाई, मतलब ऊपर आसमान की ओर देखा. इन ऑ, इन ऑ का मतलब होता है इन एडमिरेशन, जब आप किसी चीज को एडमायर कर रहे हैं, वंडर के साथ देख रहे हैं, प्रेज करते हुए भावनाओं के साथ देख रहे हैं, तो उसको आप बोलते हैं आई एम लुकिंग दैट समथिंग इज इन ऑ. और वो किस चीज को देख रहे थे? स्पेक्टेकुलर एरे को देख रहे थे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स विच वर रोरिंग इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स. सो साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स, ये आवाज करते हुए एकदम परफेक्ट फॉर्मेशन में यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से गुजर रहे थे. सो आपने देखा होगा जब भी यहाँ पे 15 अगस्त या रिपब्लिक डे इस तरह की जो भी परेड होती हैं, तो उसमें इस तरह के एयर शोज कभी कभी होते हैं. तो हम फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि मार्च पास्ट होता है एंड वी शो कि ये हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं, ये हमारी नेवल कैपेबिलिटीज है, एक्सेट्रा. इसी तरह से उस समय वहाँ पे उनकी जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज है वो इन चीजों के थ्रू दिखाए जा रहे थे. तो एक परफेक्ट फॉर्मेशन में वो गुजर रहे थे वहां से, एंड उसको बोला जाता है अ स्पेक्टेकुलर एरे. सो स्पेक्टेकुलर का क्या मतलब होता है? समथिंग दैट इज ब्यूटिफुल एंड आई कैचिंग. इनफैक्ट जो स्पेक्टेकुलर वर्ड है उसका बेस वर्ड है स्पेक्टेकल, एंड स्पेक्टेकल का मतलब होता है अ व्यू या अ सीन. जब भी आप कोई सीन देख रहे हैं तो यू कैन से आई एम वॉचिंग अ स्पेक्टेकल. एंड स्पेक्टेकल्स आपने वर्ड यूज किया होगा, स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मा, ग्लासेस, जो आप चश्मा पहनते हैं पावर वाले, उनको आप स्पेक्टेकल्स भी बोलते हैं. सो यू कैन सी कि कैसे एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड्स हैं. इट इज़ अबाउट सीइंग समथिंग. सो स्पेक्टेकल्स ग्लासेस हो गए, स्पेक्टेकल एक सीन हो गया, एंड स्पेक्टेकुलर का मतलब एक ऐसा सीन जो कि ब्यूटीफुल और आई कैचिंग है, जिसको आप भव्य या शानदार भी बोल सकते हैं. एरे वर्ड का मतलब होता है एक ऑर्डर्ड सीरीज या अरेंजमेंट. सो कोई भी चीज अगर आप एक सीरीज में रखते हैं एक के बाद एक, एंड एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट के साथ रखते हैं, तो उसको आप एरे बोलते हैं. ये फॉर एग्जांपल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत यूज होता है ये वर्ड, ऑर्डर्ड सीरीज और अरेंजमेंट. आपने महाभारत में चक्रव्यूह वर्ड सुना होगा. सो इनफैक्ट चक्रव्यूह का मतलब होता है सर्क्यूलर एरे. सो चक्रव्यूह, सो व्यूह जो वर्ड है उसका मतलब होता है एरे, एंड चक्र हो गया सर्कुलर, व्यू हो गया एरे. सो चक्रव्यू का मतलब होता है सर्कुलर एरे. सो मतलब सर्कल में एक फॉर्मेशन बनी हुई है. सो एक अरेंजमेंट है सर्कुलर फॉर्म में, उसको आप चक्रव्यू बोलेंगे. सो इसी तरह से यहाँ पे एक एरे था एक फॉर्मेशन में. सो फॉर एग्जाम्पल जब भी आप एयर शोज देखते हो तो इस तरह के फॉर्मेशन आपको दिखते हैं, समथिंग लाइक दिस. सो यू कैन सी कि इस तरह से एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में एयर शोज होते हैं, एंड इस तरह के जो एरे को आप एक फॉर्मेशन बोलते हैं, बिकॉज एक फॉर्मेशन में चल रहे हैं. एंड फॉर एग्जाम्पल ये एक वी फॉर्मेशन है. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिजन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोंस्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी. और ये सिर्फ पिन पॉइंट प्रिसिजन का डिस्प्ले नहीं था. एंड पिन पॉइंट प्रिसिजन का क्या मतलब है? कि बहुत ज्यादा प्रिसाइज होना, एग्जैक्ट होना. एंड यहाँ पिन पॉइंट प्रिसिजन किस चीज के लिए बोला गया? सो जो फॉर्मेशन करते हैं, जो जेट्स फॉर एग्जाम्पल, उनको बहुत ज्यादा प्रिसाइज होना पड़ता है, क्योंकि अगर एक का भी स्पीड ज्यादा हो गया दूसरे से तो वो एक दूसरे से टकरा जाएंगे. एंड आपको पता है कि वो कितनी हाई स्पीड से ट्रैवल करते हैं, एंड उस हाई स्पीड में भी उन स्पीड को मेंटेन करना होता है उनको एग्जैक्टली वैसे ही, ताकि उस फॉर्मेशन को वो फॉर्म कर सके. सो इनमें से थोड़ी सी भी चूक होगी तो वहाँ पे एक जबरदस्त एक्सीडेंट हो सकता है. सो इसलिए वहाँ पे पिन पॉइंट प्रिसीजन चाहिए. सो इसको आप बोलते हैं एक्सट्रीमली प्रिसाइज. अगर आप किसी चीज़ को बोलना चाहते हो तो आप बोलते हैं पिन पॉइंट प्रिसीजन, बिल्कुल भी अचूक होना. यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये सिर्फ उनका जो पिन पॉइंट प्रिसीजन का और उनकी मिलिट्री फोर्स, मिलिट्री ताकत का सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन नहीं था, बट उनकी मिलिट्री की लॉयल्टी का भी डेमोन्स्ट्रेशन था. लॉयल्टी यानी वफादारी. सो वफादारी किसकी तरफ? एक नई डेमोक्रेसी की तरफ, जो वहां पे डेमोक्रेसी फॉर्म हुई है, एंड नई गवर्नमेंट, जो वहां पे नई गवर्नमेंट आई है नेल्सन मंडेला की, उसकी तरफ
उनकी लॉयल्टी का भी प्रदर्शन था। एंड ये गवर्नमेंट कैसे सेलेक्ट हुई है, फ्रीली और फेयरली इलेक्ट हुई है। सो फ्रीली इसलिए क्योंकि सबको वोट देने का अब मौका मिला था, चाहे वो व्हाइट स्किन पीपल हो चाहे डार्क स्किन पीपल हो, और फेयर इलेक्शन हुए थे, किसी को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं मिला था, इक्वालिटी थी वहां पे, इसलिए इसको फ्री एंड फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट बोला गया था। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट बिडेक्ट विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय सैल्यूटेड मी एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। एंड कुछ समय पहले ही ओनली अ मोमेंट्स बिफोर हाईएस्ट जनरल, सो जो मिलिट्री के सबसे ऊंचे पद के जो जनरल्स हैं साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के और पुलिस के, उनके चेस्ट कैसे हैं, बिडेक्ट है रिबन्स और मेडल से। सो बिडेक्ट का मतलब होता है डेकोरेटेड, सो समथिंग लाइक दिस। सो आपने देखा होगा कि जो भी मिलिट्री के हाई पोजिशन पे लोग होते हैं वो अपने कोर्ट में फॉर एग्जाम्पल अपने मेडल्स और रिबन्स जो भी उन्होंने अर्न किए हैं थ्रू आउट देयर यू नो मिलिट्री कैरियर, वो डिस्प्ले के लिए लगाते हैं, इनकी रैंक भी पता चलती है इससे कि वो क्या रैंक के हैं। सो इसको आप बोलते हैं बिडेक्ट विथ रिबन्स, सो दिस इज वॉट इट मीन्स। सो जितने भी हाइएस्ट जनरल्स थे उन्होंने क्या किया, सैल्यूट किया उन्हें और प्लेज की लॉयल्टी, सो अपनी लॉयल्टी उनके प्रति प्लेज की, एक ओथ ली कि हाँ हम आपके लिए लॉयल रहेंगे। एंड नेल्सन मंडेला फिर क्या बोल रहे हैं, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, सो नॉट अनमाइंडफुल ऑफ, सो ये एक नेगेशन है जस्ट टू ब्रिंग इन लिटिल बिट ऑफ यू नो स्ट्रेस उस पॉइंट पे। इंस्टेड वो बोल सकते हैं आई वॉज माइंडफुल ऑफ, इंस्टेड वो बोल रहे हैं कि आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ। सो नॉट अनमाइंडफुल ऑफ का मतलब हो गया ही वॉज माइंडफुल ऑफ, मतलब ही वॉज अवेयर, ही वॉज अवेयर ऑफ, या वो गौर कर रहे थे इस चीज को, गौर कर रहे थे इस फैक्ट को कि कुछ समय पहले ही, कुछ साल पहले ही, नॉट सो मेनी इयर्स को, मतलब कुछ साल पहले ही ये उनको सैल्यूट नहीं कर रहे होते बट अरेस्ट कर रहे होते। तो आपको पता था नेल्सन मंडेला जेल में भी गए हैं एंड उनको बेसिकली जो कैंपेन कर रहे थे इस अपार्थीड सिस्टम के अगेंस्ट, तो उनको बहुत बार जेल जाना पड़ा था। सो फॉर एग्जांपल जब महात्मा गांधी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इंडिया में लड़ रहे थे तो आपको पता है कि उनको भी जेल जाना पड़ा था बिकॉज वो उस गवर्नमेंट के खिलाफ थे। तो सेम यहाँ पे चीज़ थी कि नेल्सन मंडेला भी जब सारी कैंपेनिंग कर रहे थे अगेंस्ट ऑल दिस, तो ये जो जनरल्स थे जो बेसिकली उस समय वाइट स्किन पीपल को सर्व कर रहे थे वो उन्हें अरेस्ट कर रहे होते ना कि सैल्यूट कर रहे होते जैसे कि आज वो कर रहे हैं। फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट द स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। फाइनली ए शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स, शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स का मतलब हो गया जो वी शेप बनाते हुए इम्पाला जेट्स। सो इम्पाला जेट साउथ अफ्रीकन एयरफोर्स की एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जेट्स है। सो फॉर एग्जाम्पल इंडियन एयरफोर्स में आपको पता है हमारे पास सुकोई है, हमारे पास तेजस है इंडिजिनियस, एंड अभी रिसेंटली हमने राफेल जेट्स को भी इंक्लूड किया है हमारे यू नो फ्लीट में। सो इस तरह से साउथ अफ्रीकन फ्लीट में इम्पाला जेट्स हैं एंड शेवरॉन का मतलब होता है वी शेप, वी शेप में जब आप फॉर्मेशन बनाते हैं जैसे कि मैंने आपको अभी एक इमेज दिखाई थी। सो ये जो वी फॉर्मेशन है सो दिस इज व्हाट इट मींस बाय शेवरॉन। एंड ये जो जेट्स हैं वो इम्पाला जेट्स हैं, सो इम्पाला जेट्स जो हैं वो इस तरह के दिखते हैं। एंड साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग है वो ये है, सो इसलिए बोला गया जो ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू व्हाइट एंड गोल्ड, सो ये जो कलर्स है जो उनका न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग बना उसको डिनोट करते हुए इस तरह से वो कलर स्मोक की ट्रेल निकालते हुए इस तरह के फॉर्मेशन में जा रहे थे। सो इम्पाला जेट जस्ट अगर आप क्यूरियस हैं कि क्या होता है, सो इस तरह का जेट होता है एंड यू कैन सी कि इट्स अ फाइटर जेट, सो बेसिकली इसमें वेपन्स हैं एंड इट इज यूज फॉर बेसिकली कॉम्बैट। द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आर टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग कोसी सिकेलेल ई अफ्रीका एंड ब्लैक्स सिंगिंग दी एस स्टेम the old anthem of the republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. Nelson Mandela बोल रहे हैं यहाँ पर कि वो जो day है, वो जो दिन था inauguration वाला, वो किस चीज़ को symbolize कर रहा था कि उस दिन दो national anthem बजे। So एक national anthem था DSTM जो कि basically whites गाते थे and दूसरा national anthem जो कि कोसी सिकेलेल ई अफ्रीका जो कि ब्लैक्स गाते थे, अब वो एक दूसरे के नेशनल एंथम्स गा रहे थे। सो व्हाइट्स जो है ब्लैक्स का नेशनल एंथम गा रहे थे, ब्लैक्स जो है व्हाइट्स का नेशनल एंथम गा रहे थे जो कि रिपब्लिक का, उस रिपब्लिक का बहुत पुराना एंथम है बिकॉज बहुत टाइम से व्हाइट स्किन पीपल का वहां पे डोमिनेंस था। एंड इवन दो उस दिन एक दूसरे के एंथम्स के लिरिक्स वो नहीं जानते थे एंड इनफैक्ट वो उसकी निंदा करते थे। डिस्पाइस का मतलब होता है निंदा करना, मतलब रिस्पेक्ट नहीं करना। एंड ऑब्वियसली आपको पता है जो उनकी हिस्ट्री है उसके हिसाब से वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, बट सून बहुत जल्दी वो एक दूसरे के नेशनल एंथम्स की लिरिक्स बाय हार्ट कर लेंगे, सो उनको याद हो जाएगी। सो उसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं इस पैराग्राफ से कि ब्लैक्स एंड व्हाइट्स फाइनली अब एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं एज
फेलो साउथ अफ्रीकन, उसमें अब भेदभाव नहीं रहा कि हाँ तुम्हारा स्किन का कलर ये है, मेरा स्किन का कलर ये है, मैं तुमसे ज्यादा डोमिनेंट हूँ एटसेट्रा एटसेट्रा, नहीं, हम सब साउथ अफ्रीकन हैं, हम एक कंट्री से बिलोंग करते हैं, हम सब देशवासी हैं। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples, regardless of the color of their skin. So, inauguration ke din, he was overwhelmed with the sense of history. So, ye phrase aapke पार्ट वन में स्टार्टिंग में आया था, सो यू नो व्हाट इट मीन्स। सो उनके अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस आ रहे थे हिस्ट्री की वजह से, बहुत इमोशनल फील कर रहे थे पास्ट को रिमेम्बर करके, एंड वो बता रहे हैं एज ही रिमेम्बर्स कि फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, सो 20th सेंचुरी जैसे स्टार्ट हुई थी उनके जन्म से पहले, और एक एंग्लो बोर वॉर हुआ था साउथ अफ्रीका में। सो ये जो वॉर है बेसिकली ये हुआ था 1899 to 1902, सो बेसिकली एकदम स्टार्टिंग में 20th सेंचुरी के एकदम बिगिनिंग में ये वॉर हुआ था। And this was between Britishers and South Africa. So, जिस प्रकार से Britishers India में भी आए थे, and we also were fighting with British almost इसी time पे 1857, आपको पता है जिसको first revolt बोला जाता है, first revolt for independence. So, around that time Britishers जो है बहुत सारे countries को colonize कर रहे थे, and they also reached South Africa. And South Africans के बीच में फिर उनकी लड़ाई हुई, and that was called Anglo-Boer War. And नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ था 1918 में, सो दिस हैपेंड बिफोर ही वाज बोर्न। सो वो बता रहे हैं कि वो समय के बारे में बता रहे हैं कि जब उनकी उनका जन्म नहीं हुआ था, एंड एंग्लो बोर वॉर जस्ट खत्म हुआ था, सो बेसिकली 1902 और 1918 के बीच में। इस वॉर के बाद क्या हुआ कि जो व्हाइट स्किन पीपल थे साउथ अफ्रीका में, उन्होंने पैचअप कर लिया, पैचअप करना यानी सुलह कर लेना। सो अपने जो भी मनमुटाव हैं, जो भी डिफरेंसेस हैं ब्रिटिशर्स के साथ, जिसकी वजह से ऑब्वियसली वॉर भी हुआ था, उन्होंने पैचअप कर लिया, एंड उन्होंने क्या कर लिया, एक सिस्टम इस्टेब्लिश की, एंड दैट सिस्टम वॉज अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन। ऑब्वियसली ये टर्म भी हम पढ़ चुके हैं पार्ट वन में, एंड इसके अकॉर्डिंग वो क्या करते थे, जो भी डार्क स्किन पीपल है उनके ऊपर अपना डोमिनेंस दिखाते थे कि हम आपसे सुपीरियर हैं, एंड ये हर चीज में फिर रिफ्लेक्ट हुई थी, चाहे वो जॉब्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, एंड इनफैक्ट नॉर्मल राइट्स भी हो, तो इन सब चीजों में उनको पीछे रखा गया था कि आप यहाँ नहीं जा सकते हो, वहाँ नहीं जा सकते हो, आप ये जॉब नहीं ले सकते हो, आपके लिए सिर्फ ये जो लो लेवल जॉब्स है जिसमें कम पैसे मिलते हैं यही आपको मिलेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे कास्ट सिस्टम हमारे इंडिया में जो बहुत गंदा रूप लिया था, सिमिलर इन द सेम वे इस तरह से रेशियल डोमिनेशन वहां पे एस्टैब्लिश हुई, जिसको हम अपार्थीड भी बोलते हैं। सो अपने ही लोगों के अगेंस्ट उन्होंने इस तरह का एक सिस्टम बना दिया, एंड जो स्ट्रक्चर बनाया, ये जो अपार्थीड का स्ट्रक्चर था इन्होंने जो बनाया, एंड नेल्सन मंडेला इसको किस तरह से बोल रहे हैं कि इट इज वन ऑफ द हार्श, सबसे ज्यादा हार्श था ये, सबसे ज्यादा क्रूर था, एंड बहुत ज्यादा इनह्यूमेन था, अमानवीय, इनह्यूमेन यानी अमानवीय, इसका मतलब होता है विदाउट कंपैशन, आप किसी के सफरिंग के लिए बिल्कुल भी कंपैशन या सिंपैथी फील नहीं करते हैं, उनको टॉर्चर करते रहते हैं, ऐसा सिस्टम उसको इनह्यूमेन कहा जाता है। एंड इस तरह की मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज जो है, जो वर्ल्ड ने कभी नहीं देखी थी, वैसा बना दिया था। बट इन द लास्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, अब वो अभी की बात करें, प्रेजेंट की लास्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, जब वो इनफैक्ट 80 ईयर ओल्ड हो गए हैं, सो वो खुद 80 ईयर ओल्ड हैं, सो इस समय ये सिस्टम ओवरटर्न हो गया, इट हैज बीन ओवरटर्नड। ओवरटर्न का मतलब रिप्लेस कर दिया गया, जो अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। सो ये सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया हमेशा के लिए, एंड इसको रिप्लेस किसने किया है, ऐसे सिस्टम ने जो कि राइट्स एंड फ्रीडम्स लोगों की रिकग्नाइज करता है, रिस्पेक्ट करता है, उनको राइट्स एंड फ्रीडम्स देता है रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ द स्किन। सो इट डजंट मैटर कि आपकी कलर क्या, व्हाइट है, ब्लैक है, यू कैन बी एनीथिंग, आपको इक्वल राइट्स मिलेंगे और इक्वल फ्रीडम्स मिलेंगे। सो ये इन्होंने ऐसा सिस्टम इस्टेब्लिश हो गया। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. नेल्सन मंडेला इस पैराग्राफ में बोल रहे हैं कि ये जो दिन आया है ये इसलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि बहुत से हजारों लोगों ने अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस किए हैं। अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइस, अनइमेजिनेबल यानी अनबिलीवेबल, जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, बिलीव नहीं कर सकते हो, ऐसे सैक्रिफाइसेस दिए हैं पास्ट में, और वो भी हजारों लोगों ने, एंड
उन लोगों की जो भी सफरिंग है, जो भी दुख सहा है उन्होंने, और जो उनकी बहादुरी है, जो उनका करेज है, उसको ना ही हम काउंट कर सकते हैं, ना ही उनको हम रीपे कर सकते हैं। सो हम हमेशा के लिए उनके कृतज्ञ रहेंगे, एंड उनके जो सैक्रिफाइसेस किए हैं वो अनइमेजिनेबल है, एंड इसकी वजह से ही ये जो आज दिन पॉसिबल हुआ है, जिसमें अपार्थीट को ख़त्म किया गया, ये पॉसिबल उनकी वजह से ही हुआ है। एंड उस दिन इनॉग्रेशन वाले दिन उनको ऐसा फील हो रहा था, एंड ये उनको बहुत से ऐसे दूसरे दिन भी फील हुआ है कि ये खुद नेल्सन मंडेला खुद इन लोगों से मिलके बने हैं। सो व्हाट ही मींस बाय सेइंग दैट ही इज सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, इसका मतलब ये है कि आज नेल्सन मंडेला जो हैं वो इसलिए हैं क्योंकि जो अफ्रीकन देशभक्त हैं वो उनसे पहले आए हैं, वो उनसे मिलके बने, मतलब वो उनसे इंस्पायर हुए हैं। दैट मींस ही इज इंस्पायर्ड बाय देम एंड हिज लाइफ इज पॉसिबल और अफेक्टेड बाय देम। जिसे आप फॉर एग्जांपल बोलते हैं कि आज हमें ये आज़ादी नहीं मिलती अगर भगत सिंह, महात्मा गांधी, यू नो, ऐसे ये जितने भी लोग थे जो लड़े हैं बेसिकली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, वो नहीं होते तो आज ये पॉसिबल नहीं होता, हम उनसे मिलके ही बने हैं। सो ये मतलब हुआ ऐसे कहने का कि ये जो आज लड़े हैं नेल्सन मंडेला भी इस सिस्टम के खिलाफ, ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि वो इन सब लोगों से इंस्पायर्ड थे, इनको लगता है कि ये इन सब लोगों से मिलके ही बने हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी। सो वो जो लॉन्ग, बहुत ही लंबी, और बिकॉज बहुत लंबा लड़े हैं वो, 100 साल तक लड़े हैं, सो वो जो एक लंबी और नोबल लाइन है, नोबल यानी जो ऑनेस्ट और हाई मॉरल प्रिंसिपल्स रखते हैं, ऐसे लोगों को आप नोबल बोलते हैं। सो वो लाइन ख़त्म हुई और मेरे साथ अब वापस शुरू हो रही है। सो बेसिकली जो काम उन्होंने ख़त्म किया मैंने वो वापस स्टार्ट किया है। सो बेसिकली मैं उनसे ही बिलोंग करता हूँ एंड उन्हीं की लाइन, उनकी हेरिटेज से बिलोंग करता हूँ, और जैसे वो ख़त्म हुए एंड मैं फिर पैदा हुआ एंड मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ उनकी जो लेगेसी है बेसिकली। एंड उनको ये दुख हो रहा था कि आज इस दिन जब वो फाइनली विक्टोरियस हो गए इतने लंबे स्ट्रगल के बाद, 100 साल के स्ट्रगल के बाद, उनको ये दुख हो रहा है कि वो उनको थैंक नहीं कर पा रहे हैं, कि वो देख नहीं पा रहे हैं कि उनके सैक्रिफाइसेस की वजह से आज क्या अचीव हुआ है उन्हें। सो उनके सैक्रिफाइसेस की वजह से व्हाट दे हैड रॉट, रॉट का मतलब होता है अचीव्ड, बहुत ही ओल्ड इंग्लिश यूसेज है ये, आज यू वॉन्ट यूज दिस वर्ड रॉट, का मतलब होता है अचीव्ड। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect. And that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulus, the Great Lutulus, the Chief Lutulus, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobukwes of our time. जो apartheid की policy है, जो ये system था apartheid का, उसने बहुत ही गहरा और बहुत ही लंबा रहने वाला, स्थाई रहने वाला घाव हमारे कंट्री को दिया है। सो लास्टिंग यानी स्थाई हो गया, यहाँ पे मतलब हमारे देश को और हमारे लोगों को दे गया है, ऐसा ऐसा चोट दे गया है। एंड हम लोग पीढ़ियाँ नहीं तो एटलीस्ट काफ़ी साल इस घाव से उभरने में लगा देंगे। तो हमें इस घाव से उभरने में पीढ़ियाँ नहीं तो बहुत साल तो ज़रूर लगेंगे। एंड इस घाव को वो क्या बोल रहे हैं, प्रोफाउंड हर्ट, ही इज डिस्क्राइबिंग इट एज अ प्रोफाउंड हर्ट। सो प्रोफाउंड हर्ट का मतलब क्या हुआ, प्रोफाउंड मतलब होता है ग्रेट और डीप, सो गहरा, ग्रेट या इंटेंस या डीप को आप प्रोफाउंड बोलते हैं। सो आप इमोशंस के लिए भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं प्रोफाउंड। सो इसका अल्टीमेटली मतलब हो गया बहुत गहरा, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला। सो एक ऐसा चोट है ये जो कि बहुत ज़्यादा गहरा है। बट ये जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन का मतलब होता है प्रोलॉन्ग क्रूअल ट्रीटमेंट। सो बहुत लंबे समय तक अगर आप किसी के साथ बहुत ही क्रूअल ट्रीटमेंट करते हैं, किसी का उत्पीड़न करते हैं, उसको आप ऑपरेशन बोलते हैं। तो ये लंबे समय तक, जो डेकेड्स बेसिकली दशकों तक जो ये ऑपरेशन चला, ये जो ब्रुटैलिटी चली, इसकी वजह से एक अनइंटेंडेड, सो अनइंटेंशनल मतलब जैसा सोचा नहीं गया था ऐसा इफेक्ट आया। क्या इफेक्ट आया कि इसने ऐसे लीडर्स जो हैं, ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर्स और इंसान जो हैं पैदा कर दिए। सो बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल इंडिया में ब्रिटिशर्स नहीं आते तो आज हम भगत सिंह को नहीं जानते, आज हम महात्मा गांधी को नहीं जानते, आज हम लाला लाजपत राय को नहीं जानते, आज हम फॉर एग्जांपल सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं जानते। इट्स बिकॉज कि ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने ये प्रॉब्लम्स क्रिएट की, ये हमारे साथ ऐसा ऑपरेशन किया, एंड देन ऐसे लोग उभर के आए फिर जिन्होंने जो लड़े हैं उस सिस्टम के खिलाफ एंड हमारे देश को आज़ाद किया। एंड सेम वो साउथ अफ्रीका के लिए बोल रहे हैं कि क्योंकि इतना ऑपरेशन हुआ, इसे लड़ने के लिए भी लोग उभरे साउथ अफ्रीका में से, एंड उनके नाम वो बता रहे हैं, एंड ये जो है ऐसे लोग पैदा हुए, ऐसे प्रोड्यूस हुए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेशन। एंड उनके बारे में बोल रहे हैं कि दे आर मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज,
विजडम एंड जेनरोसिटी दैट देयर लाइक्स मे नेवर बी नोन अगेन, कि उनके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सेप्शनल बहादुरी थी, साहस था, समझदारी थी और जेनरोसिटी मतलब उदारता थी, काइंडनेस थी, जो कि अब कभी भी नहीं मिल सकती. सो दैट देयर लाइक, दैट देयर लाइक यानी देयर काइंड मे नेवर बी नोन अगेन. ऐसे लोग जो है हमें कभी नहीं मिलेंगे वापस. Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है. तो बोल रहे शायद इतने गहरे उत्पीड़न, इतने गहरे ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है ताकि ऐसे ऊंचे कैरेक्टर का निर्माण हो सके. सो ऐसे ऊंचे लोग, ऐसे हाई कैरेक्टर के लोग जो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं दूसरे लोगों के लिए, ये तभी प्रोड्यूस होते हैं जब इतना गहरा ऑपरेशन किया जाता है. तो इनका मतलब ये कहना चाह रहे हैं इन शॉर्ट कि जब अंधकार होती है तभी प्रकाश का विस्तार होता है. तो जब जब अंधेरा होता है तभी आपको वो उजाला, वो रोशनी दिखती है. जब उजाला रहेगा तो आपको उजाला नहीं दिखेगा. सो ऐसे अंधकार के समय में ही आपको ये प्रकाश दिखता है. सो ही दैट इज व्हाट ही इज सेइंग इन दीज लाइंस. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. In fact, अगर आप नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ेंगे एंड उनके लीडरशिप के बारे में पढ़ेंगे तो इनफैक्ट आज बिजनेस में भी, बिजनेसेस में भी, कंपनीज में भी लोग उनको स्टडी करते हैं कि उनकी लीडरशिप स्किल इतनी ज़बरदस्त थी कि वो कैसे लोगों को फॉलो करवा सकते थे. सो फॉर एग्जांपल लोग आज हम अगर इंडिया का एग्जांपल लें तो आप देखते हैं कि कुछ ऐसे लीडर्स आते हैं, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे वो नेहरू जी हों, चाहे वो महात्मा गांधी हों, उनमें ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जिनको लोग तुरंत फॉलो करने लगते हैं. पीपल्स पर्सन इनको बोला जाता है. सो इस तरह से नेल्सन मंडेला एक्सेप्शनली पीपल्स पर्सन थे. उनके अंदर वो ऐसी क्वालिटी थी लीड करने की कि वो लोगों को साथ में रखते थे. एंड इस लास्ट लाइन से एकदम क्लियर होता है कि उनकी आइडियोलॉजी कितनी ज़्यादा पीपल माइंडेड है, कि वो हमेशा लोगों को ऊपर रखते हैं. सो क्या बोल रहे हैं कि हमारी धरती में, हमारी सॉइल के नीचे बहुत सारे मिनरल्स हैं. सो हमारी सॉइल रिच इन मिनरल्स हैं, बहुत सारे कीमती पत्थर हैं, जेम्स हैं, ज्वारात हैं, लेकिन मुझे हमेशा क्या लगता है हमारी सबसे बड़ी पूंजी क्या है, सबसे बड़े, सबसे ग्रेटेस्ट जो वेल्थ क्या है, वो इसके लोग हैं. सो वो हमेशा लोग को पैसों से और रिसोर्सेज से ऊपर रखते हैं. तो वो बोल रहे हैं कि हमारी सबसे बड़ी पूंजी हमारे लोग हैं, जो कि सबसे खरे हीरे से भी फाइन है और सच्चे हैं. सो जो सबसे प्योर डायमंड है उससे भी ज्यादा खरे लोग हैं, उससे भी ज्यादा कीमती लोग हैं हमारे पास. इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. बहुत ही ब्यूटीफुल पैराग्राफ है. एंड इनफैक्ट जब भी आप यू नो ऐसे ग्रेट पर्सनालिटीज की, जो कि यूनिवर्सली जिनको बोला जाता है कि हाँ सब लोग एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ ये महान लोग हैं, इनकी बुक्स पढ़ेंगे या इनके बारे में लिखी हुई बुक्स पढ़ेंगे, स्पेशली जो वो खुद बोले उनकी स्पीचेस पढ़ेंगे, तो आपको बहुत ही इंस्पिरेशनल सी चीजें मिल जाएंगी. जिस तरह से इस पैराग्राफ में है कि वो कुछ ऐसा कह जाते हैं यू नो कि जो एक कोट बन जाता है ना, जो आप एकदम अपने वॉलपेपर में चिपका सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट आपके इस पैराग्राफ में आ रहा है. सो वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो कॉमरेड्स हैं जिन्होंने सैक्रिफाइसेस दी, सो इनको ये कॉमरेड्स बुला रहे हैं. सो कॉमरेड्स आप किन के लिए यूज करते हैं? सो जब भी आप जंग लड़ते हैं तो आपके साथ जो फेलो सोल्जर्स होते हैं उनको आप कॉमरेड्स बोलते हैं. सो दैट इज द फर्स्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. बट आप इस वर्ड को आपके कलीग्स के लिए यूज कर सकते हैं कि हाँ जो आपके साथी लोग हैं, यू नो जिनके साथ आप काम करें, उनके लिए भी आप कॉमरेड्स यूज कर सकते हैं. बट एक मिलिट्री वर्ड है. सो ये जो हम इस स्ट्रगल में जो मेरे कॉमरेड हैं, इनसे मैंने करेज का मीनिंग सीखा. सो कितने हम्बल है, बोल रहे हैं कि मैं बहादुर नहीं था बट मैंने बहादुरी की जो मीनिंग है इन लोगों से सीखी. टाइम एंड अगेन हर बार ये जो लोग थे, ये जो आदमी थे, ये जो औरतें थी, इन्होंने रिस्क लिया, अपने जान दी इस आइडिया के लिए. किस आइडिया के लिए? कि इक्वालिटी होनी चाहिए, कि अपार्थिट खत्म होना चाहिए. फिर वो बता रहे हैं कि मैंने लोगों को देखा है टू स्टैंड अप. स्टैंड अप यानी स्टैंड अप टू समथिंग का मतलब है कि आप किसी के अगेंस्ट यू नो वॉइस आउट करते हैं. सो वॉइस आउट अगेंस्ट, तो आप बोल रहे कि नहीं ये सही नहीं, अपनी आवाज उठाना जिसको बोलते हैं ना, किसी के खिलाफ खड़े होना. सो दैट इज लाइक स्टैंड अप टू. सो वो अटैक्स और टॉर्चर के अगेंस्ट खड़े हुए विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे, शोइंग अ स्ट्रेंथ, ऐसी शक्ति दिखाते हुए और ऐसी रेजिलियंस दिखाते हुए जो कि इमेजिनेशन को डिफाई करती है. डिफाई यानी डिनाई, मतलब हमारे इमेजिनेशन के खिलाफ जो जाती है. ऐसी स्ट्रेंथ दिखाते हैं वो और ऐसी रेजिलियंस दिखाते हैं. तो रेजिलियंस का क्या मतलब होता है? रेजिलियंस ऐसी क्वालिटी होती है दैट इज द एबिलिटी टू फेस हार्डशिप. तो आप कोई भी हार्डशिप है, कोई भी कठिनाइयां हैं, उसको आप फेस कर रहे हैं
एंड उससे जो भी चोटें आई हैं आपको उसे आप रिकवर भी कर रहे हैं, तो ऐसी क्वालिटी को आप रेजिलियंस बोलते हैं। सो आप ताकतवर हैं तो आप झेल लेते हैं जो भी हार्डशिप है, आप उसको झेल लेते हैं, सो देन यू आर स्ट्रांग। बट यू आर रेजिलियंट, अगर आप बोल रहे हैं कोई किसी को रेजिलियंट है कि उसमें रेजिलियंस है या दैट पर्सन इज रेजिलियंट, दैट इज द एडजेक्टिव। सो अगर कोई रेजिलियंट है इसका मतलब वो ना ही सिर्फ झेल सकते हैं बट उसके इफेक्ट से रिकवर भी कर सकते हैं। सो अगर आपको चोट लगी आप उस चोट से रिकवर भी कर गए, दैट इज रेजिलियंस। सो ऐसी स्ट्रेंथ और रेजिलियंस दिखाए थे वो कि इमेजिनेशन को डिफाई कर देता है। एंड उनसे मैंने क्या सीखा, एंड दिस इज द पार्ट जो कि एकदम प्रोफाउंड लगता है, कि आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। सो मैंने क्या सीखा कि जो करेज है, जो बहादुरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर डर नहीं है। सो डर का ना होना बहादुरी नहीं है, बट डर पे जीतना, डर पे जीत पा लेना, उसको बहादुरी कहते हैं। सो डर सब लगता है, तो ये बोलना चाह रहे हैं कि डर सबको लगता है, ये ह्यूमन क्वालिटी है, एंड डर का ना होना ये बहादुरी नहीं होती है, बट डर का होना पर डर पे काबू कर लेना, इसको बहादुरी कहते हैं। सो ब्रेव मैन, सो जो बहादुर आदमी है वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता, बट वो है जो उस डर पे काबू कर लेता, हु कॉन्कर्स दैट फियर, जिसको हम फॉर एग्जांपल पॉपुलरली नहीं बोलते, डर के आगे जीत है। सो डर को जो ओवरकम करके जो जीत लेता है, जीत पा लेता है, उनको हम ब्रेव बोलते हैं, उनको हम करेजियस बोलते हैं। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट। बहुत ही प्यारी लाइन कही है नेल्सन मंडेला ने। उन्होंने बोला है कि कोई भी जब जन्मता है वो किसी से हेट करना नहीं जानता है, बिकॉज ऑफ इट्स स्किन, बिकॉज ऑफ इट्स बैकग्राउंड, बिकॉज ऑफ रिलीजन। तो जब भी कोई पैदा होता है वो ये सीख के नहीं आता कि किसी को हेट करना है बिकॉज उसकी स्किन का कलर डिफरेंट है, या उसका बैकग्राउंड कुछ और है, वो किसी और देश से है, किसी और जाति से है, या उसका धर्म कोई और है कि ये कुछ धर्म से बिलोंग करता है, मैं क्रिश्चियन हूँ, मुस्लिम है। सो कोई भी ऐसे पैदा नहीं होता इस हेट के साथ। पीपल हैव टू लर्न टू हेट, पीपल लोगों को सीखना होता है एक दूसरे से हेट करना, एंड अगर वो हेट करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि लव कम्स मोर नेचुरली। सो प्यार करना हमारे लिए ज्यादा नेचुरल आता है ह्यूमन हार्ट के लिए कंपेयर टू हेट। सो नेल्सन मंडेला इस चीज पे बिलीव करते हैं कि जो हमारा दिल है, जो हम इंसान हैं, हम लव ज्यादा नेचुरली करते हैं कंपेयर टू हेट। सो हमारे अंदर ऐसी भावना है, जब भी आप किसी को पीड़ा में देखते हैं तो आप इमीडिएटली आपके अंदर ऐसी फीलिंग आ जाती है कि काश मैं मदद कर सकूं। अगर आप बाहर जाते हैं और आप देखते हैं फॉर एग्जांपल किसी गरीब को भीख मांगते हुए या ठंड में ठिठुरते हुए, तो आपके अंदर वो फीलिंग आती है कि काश मैं मदद कर सकूं, तो आप कुछ पैसे जाके दे देते हो, कुछ लोग कंबल जाके दे देते हैं, कुछ लोग गरम गरम खाना देते हैं। तो ये क्यों है? बिकॉज हमारे अंदर, हम जो इंसान है, हमारे अंदर लव करना बहुत नेचुरली आता है, बट हम हेट करना सीखते हैं, हमें सिखाया जाता है, मतलब हमें, हमारे दिमाग को ब्रेन वॉश किया जाता है कि देखो वो ये है, उससे नफरत करो क्योंकि वो इस धर्म से बिलोंग करता है, उसे नफरत करो क्योंकि वो उस कंट्री से बिलोंग करता है, उसे नफरत करो क्योंकि वो इस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, उसे नफरत करो क्योंकि ये तुम्हारी बात नहीं सुनता है। तो ये चीज़ें हम सीखते हैं, हमें सिखाई जाती है, या तो हम गलत जगहों से सीखते हैं, बट वो पॉजिटिव है कि अगर लोग हेट करना सीख सकते हैं तो हम उन्हें प्यार करना भी सिखा सकते हैं। तो यही सेइंग दैट इवन दो लोग हेट करते हैं लेकिन हमारे पास ऐसी पावर है कि हम उनको वापस प्यार करना सिखा सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अभी जैसे हुआ जब पार्थी का कल्चर था जिसमें व्हाइट जो है ब्लैक से हेट करते थे, एंड ऑब्वियसली इन रिटर्न ब्लैक्स उनसे हेट करना स्टार्ट कर दिए क्योंकि उनके साथ ऑपरेशन हो रहा था। सो फाइनली जब ये सिस्टम आया तब उनको पता है कि अब जो है इनमें भाईचारा आएगा, अब ये एक दूसरे से प्यार करेंगे। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. So वो एक example दे रहे हैं जब वो jail में थे उस time का, कि even the grimmest times, so सबसे ज़्यादा दुखद भरा समय, बहुत ही harshest, तो सबसे ज्यादा कठिन समय भी जब उनका प्रिजन में था, जब उनके कॉमरेड्स, उनके साथी और वो उनको पुश किया जा रहा था लिमिट्स तक, मतलब पूरी हद तक उन पे अत्याचार किया जा रहा था, तब भी उनको एक ग्लिमर दिखती थी, एक सॉफ्ट सी शाइन, एक यू नो फेंट शाइन जिसको बोलते हैं, एक ऐसा हिंट दिखता था ह्यूमैनिटी का, यू नो इंसानियत की एक छोटी सी झलक दिखती थी, हल्की सी एक झलक दिखती थी उन गार्ड्स में भी जो उन पे पीड़ा दे रहे हैं, इवन दो फॉर अ सेकेंड। तो फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए कि जो गार्ड हैं जो कि वाइट्स को फॉलो कर रहे हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि हाँ इन लोगों को मारो जो कि जेल में है, खूब खूब पीटो उनको, बट वो भी इंसान है, तो उन्होंने कभी कभी ऐसा नोटिस किया कि ये गार्ड भी उनको इतनी तेजी से नहीं मार रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर एक इंसानियत है कि मैं क्यों मार रहा हूँ इसको, इवन तो मुझे इंस्ट्रक्शंस मिले मैं क्यों मार रहा हूँ, ये भी तो एक इंसान है। तो उनको ये झलक दिखती है उनके अंदर, एंड जब वो उनको झलक दिखी तो ये उनके लिए एक रीअश्योरेंस था
कि उनका ये जो डाउट है वो चला गया कि हाँ लोगों में ह्यूमैनिटी नहीं होती, उनका जो ये उनको रीअश्योर हो गया कि हाँ सब लोग प्यार करना चाहते हैं, सब लोगों में ह्यूमैनिटी है. एंड ही केप्ट गोइंग, इट केप्ट हिम गोइंग, सो ही वॉज एबल टू कंटिन्यू. सो कीप मी गोइंग का मतलब टू बी एबल टू कंटिन्यू इन डिफिकल्ट टाइम. सो आप इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं जब आप बहुत कठिनाइयों के साथ किसी समय में गुजर रहे हैं, एंड यू से दिस केप्ट मी गोइंग, यू नो दिस विल कीप यू गोइंग. सो ये जो झलक उनको दिखी थी इंसानियत की, ये उनके लिए काफ़ी था रीअश्योर करने के लिए कि हाँ अभी भी पॉसिबिलिटी है चेंज लाने की. एंड ही वॉज एबल टू कंटिन्यू, एंड वो उस डिफिकल्ट समय को झेल पा रहे थे इस उम्मीद में कि हाँ एक दिन ऐसा आएगा जब हम इस सिस्टम को हटा देंगे. मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड. सो इट्स लाइक कोट ऑफ द डे हो गया कि जो इंसान की अच्छाई है वो एक ऐसी लॉ है, ऐसी ज्वाला है जिसको आप छिपा सकते हो बट कभी भी बुझा नहीं सकते. सो एक्सटिंग्विश्ड का मतलब बुझा देना. सो हमारे अंदर जो अच्छाई है, जो इंसानों के अंदर जो अच्छाई होती है, वो इस उस ज्वाला की तरह है जिसको आप छुपा सकते हो लेकिन कभी भी बुझा नहीं सकते. चाहे हम कितना भी हेट करें, चाहे हम कितना भी एक दूसरे के खिलाफ खराब बोलें, फाइनली हमारे अंदर जो अच्छाई है वो उभर के कभी ना कभी सामने जरूर. He has twin obligations. Obligations to his family, to his parents, to his wife and children. And he has an obligation to his people, his community, his country. So इस पार्ट में नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि हर इंसान के दो obligations होते हैं. Twin यानी two. So there are two identical. So twin हमेशा जुड़वा के लिए आप यूज करते हो, मतलब दो obligations हैं एंड दोनों equally important हैं. तो ऐसा नहीं कि एक कम है एक ज़्यादा है, दो ऑब्लिगेशंस हैं, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं. एंड ऑब्लिगेशंस क्या हो गए? आपके कर्तव्य, या इन सिंपल टर्म्स यू कैन से योर ड्यूटीज. जो आपकी ड्यूटीज हैं उनको आप ऑब्लिगेशंस बोलेंगे. तो पहली ऑब्लिगेशन क्या है? पहली ऑब्लिगेशन आपकी आपके फैमिली की तरफ है, आपके पेरेंट्स की तरफ है, आपकी वाइफ की तरफ है, आपके चिल्ड्रन की तरफ है. सो व्हाट इट मींस इज कि फर्स्ट, योर फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज आपके रिलेटिव्स की तरफ. सो आपकी जो इमीडिएट फैमिली है, आपके जो भी रिलेशनशिप है, जो भी ऐसे लोग हैं जो आपके ऊपर डायरेक्टली निर्भर हैं, दे कैन बी योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी बीवी हो सकती है, आपके पति हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, ऐसे लोग जो आप पे डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं, इमीडिएट फैमिली, वो आपके फर्स्ट ऑब्लिगेशन है बिकॉज आप उनके केयर टेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. एंड सेकेंड ऑब्लिगेशन है आपके अपने लोगों के लिए, आपके कम्युनिटी के लिए, जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, जिस ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं, आपके देश के लिए. सो आपके देशवासियों के लिए और आपकी कम्युनिटी के लिए आपका एक ऑब्लिगेशन होता है. तो हर आदमी, हर इंसान के दो ऑब्लिगेशन होते हैं. इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस. सो ही सेइंग इन अ सिविल एंड ह्यूमेन. सो सिविल का क्या मतलब है? सिविल मतलब कर्टियस एंड पोलाइट. इन शॉर्ट एक सभ्य, सो एक सभ्य सोसाइटी, सो सिविल सोसाइटी. ह्यूमेन, ह्यूमेन का मतलब जहाँ पे कंपैशन हो, जहाँ पे काइंडनेस दिखाई जाती है एक दूसरे को. सो दैट मीन्स शोइंग काइंडनेस. सो जो भी वर्ड्स हैं, जो ह्यूमैनिटी, बीइंग ह्यूमन, ये जो भी वर्ड्स हैं, ये दे रिलेट टू शोइंग काइंडनेस. सो दैट मीन्स इट इज ऑल्सो नोन कि ह्यूमन आर नोन फॉर, हम ऐसी स्पीशीज हैं हु आर नोन फॉर देयर काइंडनेस. सो दैट्स वाई ऑल दीज वर्ड्स, जो भी ह्यूमन, ह्यूमैनिटी, ये जो भी वर्ड्स हैं, दे मोर और लेस मीन टूवर्ड्स शोइंग काइंडनेस. सो ऐसी सोसाइटी, जो सिविल सोसाइटी है, जो ह्यूमेन सोसाइटी है, उसमें हर आदमी अपने ये दोनों ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर सकता है अपने तरीके से, टू हिज ओन इंक्लिनेशन. सो इंक्लिनेशन का मतलब होता है अपने रुझान के अकॉर्डिंग. सो उसकी जो भी नेचुरल टेंडेंसी है, अब उसका जो भी बिहेवियर है, नेचुरल बिहेवियर है, उसके अकॉर्डिंग वो उन ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सकता है और अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग उन ऑब्लिगेशंस को वो फुलफिल कर सकता है. बट वो बोल रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में, कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर. सो नेल्सन मंडेला क्या थे? ही वॉज अ ब्लैक एंड ही वॉज बॉर्न टू अ ब्लैक पेरेंट. वो ब्लैक सोसाइटी से बिलोंग करते थे. सो उनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था ये दोनों ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए. सो ना ही वॉज एबल टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स हिज रिलेटिव एंड पेरेंट्स एंड फैमिली, ना ही वो अपने कंट्रीमैन के लिए ऑब्लिगेशन फुलफिल कर पा रहे थे. तो उनके लिए ये दोनों ऑब्लिगेशन फुलफिल करना इम्पॉसिबल हो रहा था. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. So, ये बहुत ही strong remark दे रहे हैं Nelson Mandela कि South Africa में a man of color. So basically, man of color मतलब anyone who is not white. So he could be anyone who is dark skinned, any other skin.
So black skin. They were also people who were like, they had either half of their parent are black, half the parent is white. So they were mixed. So they were called mixed. So all these people, mixed as well as black, they were called man of color. And ye jo bhi log the, unke liye as a human being, rehna mushkil tha. And if they tried to live as a normal human being, unko punish kiya jata tha aur unko isolated rakha jata tha. Isolated yani unhe separate kar diya jata tha apni family se, उनकी सोसाइटी से. सो बेसिकली उनको या तो जेल में डाल दिया जाता था या उनको अलग थलग रखा जाता था. सो व्हाट इट मींस टू से इज कि इस सेंटेंस के थ्रू नेल्सन मंडेला ये बोलना चाह रहे हैं कि उनके साथ इतना अत्याचार हो रहा था, उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स उनसे छीन ली जा रही थी कि वो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक बेसिक तरीके से जो ह्यूमन बीइंग हम रहते हैं, वो भी पॉसिबल नहीं था उनके लिए. इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स टू लिव a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. So South Africa mein jo koi insaan apni is duty ko fulfill karna ki koshish karta tha to his people, apne logon ke liye, he was inevitably ripped. Inevitably matlab unavoidably, matlab jise aap avoid nahi kar sakte, jo ho ke rahega, that's called inevitable. So inevitably matlab unavoidably, jise aap avoid nahi kar sakte. And ripped matlab forcibly alag kar dena, to tear apart forcibly. And of course यहाँ पे tear की जगह torn होगा because it's ripped. So it's like उखाड़ फेंकना. So जो भी अपनी duty fulfill करने की कोशिश कर रहा था लोगों के प्रति, उसे unavoidable मतलब बिल्कुल short तरीके से उसकी family से अलग कर दिया जाता था, rip apart कर दिया जाता था, उसके घर से अलग कर दिया जाता था एंड फोर्स किया जाता था अलग थलग रहने के लिए. सो टू लिव अ लाइफ अपार्ट, अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस. सो ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस क्या है, ये आपको पार्ट वन में एक टेबल के थ्रू बताया गया था कि दीज आर सम ऑफ द टर्म्स जिनका स्पेशल मीनिंग है. सो ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस का मीनिंग था हाफ सीक्रेट लाइफ. सो एक सीक्रेट वाली लाइफ जीते थे वो. सो ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन. रिबेलियन यानी जब आप किसी के खिलाफ बोलते हो, यू रिबेल करते हो, आपके हम ये नहीं मानेंगे. सो बेसिकली लास्ट सेंटेंस से समझ में आता है कि वॉट ही मीन्स टू से इज कि जो भी ये ड्यूटी फुलफिल करने की कोशिश करते थे. सो मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को मेरे कंट्री मैन के प्रति मेरा एक फ़र्ज है कि मुझे इसके खिलाफ लड़ना है. सो ऐसे जो भी गिने चुने लोग थे उनको अनअवॉइडेबली अपने फैमिली से अलग रहना पड़ता था, अलग से लाइफ रहनी पड़ती थी और उनका एक सीक्रेट लाइफ होता था. मतलब ये एक सीक्रेटली ये चीज़ें करते थे ताकि वो अपने लोगों के लिए ये अपनी ड्यूटीज़ फुलफिल कर सके. बिकॉज अगर वो फैमिली के साथ रहेंगे तो उनकी फैमिली पे अत्याचार किया जाएगा क्योंकि उनको पता होगा कि हाँ ये इनकी फैमिली है और ये कुछ ऐसा कर रहा है विच इज़ अगेंस्ट द वाइट्स. सो व्हाट इट मींस टू से इज कि जो कोई भी नाइंसाफी के खिलाफ लड़ रहे थे उनको एक सीक्रेट लाइफ जीनी पड़ रही थी, अ सीक्रेट लाइफ ऑफ ऑल द सीक्रेसी क्योंकि वो फैमिली से अलग रहना पड़ता था उनको, एंड ऑल द रिबेलियन बिकॉज वो सबके खिलाफ थे. आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. So वो further same चीज़ को explain कर रहे हैं कि मैंने पहले ये choose नहीं किया था. I did not in the beginning choose to place my people above my family. So मैंने पहले ये choose नहीं किया था कि मैं अपने लोगों के लिए, अपने देशवासियों को अपनी फैमिली से ऊपर रखूंगा, ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा. मैंने ऐसा नहीं चूज़ किया था पहले. लेकिन as soon as, जैसे ही मैंने अटेम्प्ट किया कि मैं अपने लोगों को सर्व कर सकूँ, उनकी मदद कर सकूँ, मैंने क्या पाया कि मैं अपनी जो भी ऑब्लिगेशंस है एज अ सन, एज अ बेटा, एज अ भाई, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, मैं ये ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं कर पा रहा था. सो हमेशा उनके लिए मुश्किल हो रहा था कि अगर वो चाहते थे कि देशवासियों की मदद करें तो उनको फैमिली से अलग रहना पड़ जाता था. आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री. आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. अब ये describe करें Nelson Mandela कि मैं जब पैदा हुआ था तो इस भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था कि मुझे फ्री होना है. When I was born, मुझे मेरे अंदर ये लालसा नहीं थी, ये भूख नहीं थी कि मुझे फ्री होना है. क्यों? Because I was born free. मैं पैदा फ्री हुआ था, हर तरीके से मैं फ्री था, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो. सो मेरी समझ में जो भी चीज़ें थी उस सब चीज़ों में मुझे ये पता था कि मैं फ्री हूँ. मैं फील्ड्स में दौड़ सकता था अपने मम्मी के हट के पास. आई वॉज़ फ्री टू स्विम इन क्लियर स्ट्रीम, मैं साफ पानी की धारा में स्विम कर सकता था जो मेरे विलेज के थ्रू जाती थी. आई वॉज़ फ्री टू रोस्ट मीलीज. सो मीलीज का मतलब होता है मेज़ या भुट्टे.
ये साउथ अफ्रीकन टर्म है फॉर मेज, सो इट्स अ लोकल टर्म. नॉर्मली यू वोंट फाइंड कि लोग इसको यूज़ करेंगे, एंड इनफैक्ट यू ऑल्सो नीड नॉट यूज़ दैट वर्ड. इट्स अ वेरी साउथ अफ्रीकन वे ऑफ सेइंग भुट्टा. सो मैं फ्री था भुट्टे सेकने के लिए अंडर द स्टार्स, मतलब खुले आसमान में. राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और जो भी धीरे धीरे चलने वाले सांड होते थे मैं उनके चौड़े पीठ पे राइड करता था. सो उनके ऊपर चढ़ के उनको राइड करता था. सो मैं हर तरीके से फ्री था. तो मैं मुझे जितना भी कुछ पता था एज अ चाइल्ड, मैं जब छोटा था तो जितने भी तरीके मुझे पता था हर तरीके से मैं फ्री था. एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड. सो जब तक मैं अपने पापा की बात मानता था एंड अबाइडेड बाय यानी फॉलो करना या ओबे करना. सो इट्स अनदर वर्ड ऑफ ओबेइंग. सो जब तक मैं अपने पापा को ओबे करता था एंड अपने ट्राइब के जो भी कस्टम्स थे, मेरे ट्राइब के जो भी कस्टम्स थे उसको ओबे करता था, मुझे कोई भी लॉ, इंसान के कोई भी लॉ हो या भगवान के कोई भी लॉ हो, मुझे परेशान नहीं करते थे. मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है. मुझे जो भी पता था उन सब चीज़ों में मैं फ्री था. इट वॉज ओनली वेन आई बिगैन टू लर्न that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I chose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. सो जब मुझे समझ में आने लगा, जो भी ये लड़कपन की मेरी आज़ादी है, सो बॉयहुड का मतलब होता है लड़कपन, सो जो भी ये बचपना है, जो मेरा ये जो बचपन की आज़ादी है, ये एक इल्यूजन है. इल्यूजन मतलब समथिंग दैट इज़ नॉट रियल. सो कोई ऐसी चीज़ जो रियल लगती है पर होती नहीं है, दैट लुक्स रियल बट इट इज़ नॉट. हिंदी में इसके लिए बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे कि भ्रम होता है, कि तुमको भ्रम हुआ है, तुमने ये चीज़ देखी है. माया का वर्ड भी हम यूज़ करते हैं इल्यूजन के लिए, कि ये मोह माया, इट्स एन इल्यूजन. सो जब मैं ये समझने लगा, ये सीखने लगा कि ये जो बचपन की जो आज़ादी है ये एक भ्रम है, इल्यूजन है, और जब एज अ यंग मैन, जब मैं थोड़ा जवान हो गया और मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी फ्रीडम मुझसे ऑलरेडी ले ली गई है, तब मुझे इसकी भूख जागी, तब मुझे इस फ्रीडम के लिए अंदर से भूख जागी. तो जब तक मुझे पता नहीं था, जब तक मैं इस भ्रम में जी रहा था कि मेरे पास फ्रीडम है, और जब मैंने डिस्कवर किया कि मेरे से फ्रीडम ले ली गई है ऑलरेडी, तब जाके मेरे अंदर इस फ्रीडम के लिए भूख जागी. सो एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, तो वो डिस्क्राइब कर रहे हैं क्या हुआ उनके साथ. तो पहले क्या हुआ, तो जब उनके अंदर ये भूख जागी, तो जब वो स्टूडेंट थे तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उन्हें सिर्फ अपने लिए फ्रीडम चाहिए. सो दे ही वॉन्टेड फ्रीडम फॉर हिमसेल्फ, द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट. तो उनके लिए उस समय एज अ स्टूडेंट क्या फ्रीडम की डेफिनेशन क्या थी, कि रात में जितनी देर तक बाहर रह सके वो बाहर रहे. फॉर एग्जांपल, अगर आप कॉलेज में होते हो या घर में भी आपके रिस्ट्रिक्शन, तो आपको लगता है कि घर पे मम्मी पापा 10 बजे बुलाते हैं लेकिन मैं बाहर रहूँगा 10 के बाहर, तो आपको लगता है कि मैं बहुत फ्री हूँ, मेरे अंदर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. सो उनको एज अ स्टूडेंट यही लगता था कि अगर मैं रात में बाहर रह सकूँ जब तक मैं चाहूँ तो एक फ्रीडम है. रीड व्हाट आई प्लीज, जो मेरा मन करे मैं उसे पढ़ सकूँ, एंड जहाँ मेरा मन करे मैं वहाँ जा सकूँ. तो ये उनके लिए एक फ्रीडम था. एंड इस फ्रीडम को वो क्या नाम दे रहे हैं, ट्रांजिटरी फ्रीडम्स. सो ट्रांजिटरी का क्या मतलब होता है, ट्रांजिटरी मतलब होता है टेम्पररी. टेम्पररी जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, जो खत्म हो जाएगी थोड़े टाइम बाद. लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, सो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी सिटी है. इट्स नॉट द कैपिटल सिटी बट सबसे बड़ी सिटी है साउथ अफ्रीका की. साउथ अफ्रीका का कैपिटल एक्चुअली केप टाउन है, लेजिस्लेटिव कैपिटल. सो जब वो जोहान्सबर्ग में थे तब वो क्या चीज़ के लिए यर्न कर रहे थे. सो यर्न करना मतलब लॉन्ग करना, डिज़ायर करना. So he had strong desire for what? Basic and honorable freedoms of achieving my potential. Basic freedom, जो कि हर इंसान के पास होनी चाहिए. Honorable freedom, honorable यानी respectable. And क्या है वो freedom? Achieving my potential, ताकि मैं अपनी क्षमता को अचीव कर सकूँ. जो मेरे अंदर जितनी भी क्षमता है, चाहे मुझे ये बनना है, वो बनना है, आज मुझे लॉयर बनना है तो मैं लॉयर बन सकूँ, आज मैं ये कर सकता हूँ तो ये कर सकूँ. तो अब मैं पोटेंशियल, अपनी क्षमता को अचीव करने का फ्रीडम. Of earning my keep, so earning one's keep का मतलब होता है to pay for living, so गुजारा करने के लिए कमाने को earning my keep बोलते हैं. Of marrying, शादी करने की freedom, and having a family, एक family होने की freedom. In short, वो बोल रहे हैं कि ऐसी freedom जिसमें एक lawful life जीने में कोई obstruction ना हो, not to be obstructed. So not obstructed का meaning होता है prevented, कोई रोक टोक. So not to be prevented in a lawful life, prevented या interrupted. लॉफुल यानी बिना किसी
क्राइम के अच्छे से एक नॉर्मल जिंदगी, लॉफुल जिंदगी जीने में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, इसकी फ्रीडम. बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री. आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड. दैट इज वेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एंड दैट इज वेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल. सो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे उन्होंने ये देखा कि सिर्फ वो ही फ्री नहीं है, उनके भाई बहन भी फ्री नहीं है. सो भाई बहन का यहाँ पे मतलब है कि उनके लोग, उनके देशवासी भी फ्री नहीं है. उन्होंने नोटिस किया कि नॉट ओनली हिज फ्रीडम वॉज कर्टेल्ड यानी रिड्यूस. सो सिर्फ उनकी ही फ्रीडम कम नहीं की गई है, रिड्यूस नहीं की गई है, बट उनके जैसे दिखने वाले सारे लोगों की फ्रीडम कर्टेल की गई है. सो उन्होंने रियलाइज किया कि सिर्फ उनकी फ्रीडम ही नहीं, उनके जैसे दिखने वाले सारे लोगों की फ्रीडम जो है इस तरह से कम कर दी गई है. तब उन्होंने, जब उन्हें यह नोटिस हुआ, तब उन्होंने क्या डिसाइड किया, ज्वाइन करने का अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. तो उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, एंड तब ये जो खुद के फ्रीडम की जो हंगर थी ना कि मुझे फ्री होना है, ये किस में बदल गई, इट बिकेम ग्रेटर हंगर फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपल. सो खुद की फ्रीडम जो है कन्वर्ट हो गई अपने लोगों के फ्रीडम के. सो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग फॉर हिज ओन फ्रीडम, ही स्टार्टेड फाइटिंग फ्रीडम फॉर एवरीवन. इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, that forced a life loving man to live like a monk. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms that I was allowed when I knew my people were not free. अब नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि ये जो डिजायर थी उनकी, ये जो इच्छा थी, ये जो कामना थी उनकी कि उनको अपने लोगों की फ्रीडम लेके आनी है ताकि वो अपनी जिंदगी डिग्निटी के साथ जी सके, डिग्निटी यानी गरिमा के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सके, इस डिजायर ने उनकी लाइफ में जान डाल दी. सो एनिमेट करना यानी जान डालना. सो इस डिजायर ने उनकी जिंदगी में जान डाल दी, उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया. ट्रांसफॉर्म करना यानी चेंज करना, ट्रांसफॉर्म कर दिया एक डरे हुए यंग मैन को एक बोल्ड यंग मैन में. सो एक डरे हुए आदमी को बोल्ड में कन्वर्ट कर दिया. नेल्सन मंडेला खुद की बात कर रहे हैं, और उन्हें एक लॉ अबाइडिंग अटर्नी से एक क्रिमिनल बना दिया. सो ये सिमिलर स्टोरी इवन महात्मा गांधी के साथ हुई थी कि वो भी एक लॉयर थे, लॉ अबाइडिंग लॉयर थे, पर जब वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे तो उनको क्रिमिनल बना दिया गया था. तो उनको कुछ भी कह के कि आप यू नो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं नॉर्मल वर्किंग में इस देश के, क्योंकि वो सत्याग्रह कर रहे थे, लोगों को जुटा रहे थे उनके अगेंस्ट, तो उनको एज अ क्रिमिनल करार दे दिया गया. तो सेम यहाँ पे हुआ, सेम नेल्सन मंडेला को उन वाइट्स ने एज अ क्रिमिनल घोषित कर दिया. सो इवन दो वो लॉ अबाइडिंग अटर्नी थे, स्टिल उनको क्रिमिनल बना दिया गया. That turned a family loving husband into a man without a home. So एक family loving, so एक family को प्यार करने वाले husband को क्या चीज़ में convert कर दिया, एक homeless आदमी में. So उनके पास घर भी नहीं रहा. So वो अपने पीड़ा बता रहे थे, उनके साथ क्या क्या अत्याचार हुआ, कि ऐसी हालत हो गई उनके पास घर भी नहीं बचा. So उनको फोर्स कर दिया गया, जो अपनी लाइफ इतने अच्छे से जीते, लाइफ लविंग यानी जो लाइफ को बहुत अच्छे से जीता है. इट्स नॉट लाइक उसे अपने लाइफ से प्यार है, इसका मतलब है कि वो बहुत लाइवली तरीके से लाइफ को जीता है, एंजॉय करता है अपनी लाइफ को. सो लाइफ लविंग मैन को उन्होंने क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, एक मंक में. सो मंक का मतलब है कि बहुत सिंपल लाइफ जीने लगे. सो ही वॉज वेरी हैप्पी, वेरी जॉयफुल, बहुत ज़्यादा जिंदगी का रास लेते थे. तो उससे उन्होंने किस चीज़ में कन्वर्ट हो गए, वो एक मंक में, मतलब एक सादा जीवन वो जीने लगे. आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग. सो अब वो बोल रहे हैं कि मैं एक अगले इंसान से, मेरे बाजू में जो भी इंसान है, उससे ना ही ज़्यादा मैं वर्चुअस हूँ, ना ही ज़्यादा सेल्फ सैक्रिफाइसिंग हूँ. सो क्या मतलब है इन वर्ड्स का, वर्चुअस का मतलब होता है हैविंग हाई मॉरल स्टैंडर्ड, जिनको हम बोलते हैं उच्च विचारों वाले आदमी या नेक आदमी. सो ये हो गया वर्चुअस. एंड सेल्फ सैक्रिफाइसिंग का सिंपल सिनोनिम है सेल्फलेस, समवन हु इज़ नॉट सेल्फिश. सो बोल रहे हैं कि मैं अगले इंसान से ना ही ज़्यादा नेक हूँ, ना ही ज़्यादा सेल्फलेस हूँ, मतलब मैं सबकी तरह ही हूँ, मैं सबकी तरह नेक हूँ, सबकी तरह सेल्फलेस हूँ. बट मैंने क्या पाया कि मेरे पास जो भी छोटी मोटी फ्रीडम थी, जो भी खराब सी, लिमिटेड सी, पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम थी, जो भी मेरे पास फ्रीडम थी, मैं उसे एंजॉय नहीं कर पा रहा था, नोइंग दैट माई पीपल वर नॉट फ्री, ये जान के कि मेरे लोग जो हैं फ्री नहीं है. सो मेरे पास जो भी बची कुची फ्रीडम भी थी उसको मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे पता था मेरे लोग फ्री नहीं है. फ्रीडम इज इनडिविजिबल, द चेंज
on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. So this paragraph is very, very beautiful. इसमें काफ़ी अच्छे thoughts उन्होंने डाले हैं. It's like quote worthy thoughts इनको बोले हम कि आप इनको quotes में convert कर सकते हैं. So Nelson Mandela क्या बोल रहे हैं कि freedom जो है indivisible है. Indivisible मतलब आप जिसे divide नहीं कर सकते. What he means by that? कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे 10 आदमी हैं एंड आपने बोला कि देखो तुम पहले 5 आदमी फ्री हो और तुम जो बाद के 5 आदमी हो तुम फ्री नहीं हो. तो तुमने फ्रीडम डिवाइड कर दी. तुमने ऐसा कर दिया कि चलो तुमने 5 आदमी को फ्रीडम बांट दी, 5 को छोड़ दिया. सो इस तरह से यू कैन नॉट डिवाइड फ्रीडम. द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम. सो अगर किसी भी एक आदमी के पास को चेन में अगर आपने रखा है, मतलब फ्री नहीं रखा है, इसका मतलब आपने सबको फ्री नहीं रखा है. सो उनके फ्रीडम का कॉन्सेप्ट कितना यूनिवर्सल है. उनके अकॉर्डिंग अगर एक आदमी भी फ्री नहीं है, इसका मतलब हम सब फ्री नहीं है. चेंज ऑन ऑल माई पीपल वर चेंज ऑन मी. सो बोल रहे हैं कि एक आदमी पर भी अगर चेन है, इसका मतलब सबके ऊपर चेन है, और सबके ऊपर चेन है तो मैं भी फ्री नहीं हूँ, मेरे ऊपर भी चेन है. सो बहुत फिलोसफिकल थाट है उनका ये. एंड अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो ऑपरेसर है, ऑपरेसर मतलब जो अत्याचार करता है, जो ऑप्रेस करता है लोगों को, उसको भी लिबरेट करने की जरूरत है. उसे भी फ्रीडम चाहिए. लिबरेट करना है ना फ्री करना. उसको भी लिबरेट करने की जरूरत है जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड. जिस तरह से हमें ऑप्रेस्ड को फ्री करना है, उस तरह से हमें ऑपरेसर को भी फ्री करना है. सो वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए बोल रहे हैं कि उनके अकॉर्डिंग कि जो इंसान दूसरे इंसान की फ्रीडम छीनता है वो खुद नफरत का कैदी होता है. सो वो खुद नफरत का शिकार है, खुद नफरत की कैद में है, इसलिए वो दूसरे आदमी की फ्रीडम छीन रहा है. तो उसे खुद उस नफरत से आज़ाद करने की ज़रूरत है. ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस. सो वो किस तरह के प्रिजन में है? लॉक बिहाइंड बार्स मतलब प्रिजन में होना, सलाखों के पीछे होना, दैट इज़ द टर्म लॉक बिहाइंड द बार्स. तो किन चीज़ों के सलाखों के पीछे है वो? प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस. सो वॉट डज दीज वर्ड मीन? सो वॉट डज दीज वर्ड्स मीन? सो प्रेजुडिस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट रीजन. सो कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है जब हमारे अंदर कुछ धारणाएं होती है दिमाग में, हम किसी चीज़ को पसंद नहीं करते विदाउट रीजन. हमारे मन में बस एक थॉट है कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, हमारे पास कोई रीजन नहीं है. सो इट्स अ बैड क्वालिटी. प्रेजुडिस होना मतलब बैड क्वालिटी है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन हुई, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि आप किसी डॉक्टर के पास गए एंड उस डॉक्टर ने आपका इलाज अच्छे से नहीं किया एंड अब आपने जो है ये धारणा बना ली कि जितने भी डॉक्टर होते हैं वो खराब होते हैं. सो ये आपके अंदर एक प्रेजुडिस आ गई है. सो ये एक वैलिड रीज़न नहीं है. सो इट्स लाइक कि आपने किसी और पर्सन को उसके प्रति जो भी वैलिड रीज़न है उसके खिलाफ आप डिसलाइक कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम और दी अदर इवेंट जो आपके साथ हुए हैं. सो दैट्स प्रेजुडिस. आपके अंदर एक प्रेजुडिस है. एंड नैरो माइंडेडनेस यानी छोटी सोच होना. सो जो लोग दूसरे की दूसरे के ऊपर अत्याचार करते हैं, उसकी फ्रीडम ले लेते हैं, वो किस चीज़ के शिकार है, किस चीज़ के कैदी हैं? प्रेजुडिस के और नैरो माइंडेडनेस के. आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम. मैं सच में फ्री नहीं हूँ, सही मायने में फ्री नहीं हूँ अगर मैं किसी और की फ्रीडम छीन रहा हूँ. जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी. सो उसी चीज़ को वो दूसरे वर्ड्स में बोल रहे हैं कि जिस तरह से अगर मैं किसी और की फ्रीडम ले रहा हूँ तो मैं फ्री नहीं हूँ, उसी तरह से मैं जिसकी फ्रीडम ले रहा हूँ. द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. एंड लास्ट में वो क्या बोल रहे हैं कि जो ऑप्रेस्ड है, जिस पर अत्याचार हो रहा है, एंड द ऑप्रेसर जो अत्याचार कर रहा है, दोनों की ह्यूमैनिटी लुट जाती है. सो दोनों की जो इंसानियत है वो लुट जाती है. ऑप्रेस्ड की ह्यूमैनिटी क्यों रॉब कर दी जाती है? बिकॉज उसको बेसिक ह्यूमन बीइंग्स के जो भी राइट्स हैं, फ्रीडम्स हैं, वो नहीं मिलते. सो ही इज़ नॉट एबल टू लिव लाइक अ ह्यूमन बीइंग. सो वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह जी नहीं पाता, जो कि पिछले पैराग्राफ्स में नेल्सन मंडेला ने एक्सप्लेन किया था कि उनका मतलब क्या है. एंड जो ऑप्रेस करता है, क्योंकि वो ऑप्रेस कर रहा है, वो खुद इंसानियत नहीं दिखा रहा है, तो उसके अंदर इंसानियत नहीं है. सो इस तरह से जो ऑप्रेस्ड है और ऑप्रेसर है अलाइक, दे आर बोथ रॉब्ड.